सैफ अली खान और ऋतिक रोशन ये दोनों साल 2002 में आई फिल्म ना तुम जानो ना हम में नजर आए थे, जिसमें इनके साथ एक्ट्रेस ईशा देओल भी थी। पिछले 19 साल में अब ये पहला मौका होगा जब सैफ और ऋतिक एक साथ बिग स्क्रीन पर दिखेंगे। जी हाँ, सैफ अली खान जल्द ही ऋतिक रोशन के साथ तमिल सुपरहिट फिल्म विक्रम वेदा के हिंदी रीमेक में दिखेंगे। सैफ अली खान वैसे तो ऋतिक की काफी तारीफ करते हैं, मगर वो विक्रम वेदा के हिंदी रीमेक में काम करने से मना भी कर रहे थे। दरअसल पिंक फिला से बात करते हुए सैफ ने कहा, हमने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी है और ये काफी चैलेंजिंग रोल होने वाला है। ऋतिक एक बेहतरीन एक्टर और डांसर है, इसलिए मुझे उनके सामने टिकने के लिए सुबह उठकर मेहनत करनी पड़ेगी। इस इंटरव्यू में सैफ के साथ अर्जुन कपूर भी मौजूद थे, जो उनके साथ भूत पुलिस में नजर आएंगे। अर्जुन ने ऋतिक के मुकाबले सैफ की डांसिंग स्किल्स का मजाक उड़ाया तो सैफ ने कहा, हाँ ये सही बात है कि शायद मैं इस फिल्म को नहीं करता अगर मुझे ऋतिक के साथ डांस करने को कहा जाता। कोई भी हम दोनों को साथ में डांस नहीं करवाना चाहेगा अगर उसे अजीब फिल्म ना बनानी हो। यानी अगर विक्रम वेदा में सैफ को ऋतिक के साथ डांस करना पड़ता तो शायद वो इस फिल्म से अपने हाथ पीछे खींच लेते, लेकिन शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आपको बता दें कि विक्रम वेदा साल 2017 में रिलीज हुई थी, जिसमें आर माधवन और विजय सेतुपति मेन रोल्स में थे। इस फिल्म में माधवन ने विक्रम नाम के पुलिस वाले और विजय सेतुपति ने वेदा नाम के गैंगस्टर का रोल प्ले किया था, और हिंदी रीमेक को तमिल डायरेक्टर पुष्कर और गायत्री ही बनाने जा रहे हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो ऋतिक इस फिल्म के अलावा दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म फाइटर में दिखने वाले हैं। सैफ अली खान की बात करें तो वो जल्द ही भूत पुलिस में दिखेंगे। और इसके अलावा सैफ आदि पुरुष में रावण का रोल निभा रहे हैं, जिसमें प्रभास भगवान राम और कृति सेनन देवी सीता के रोल में दिखेंगी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।